दिन पहले रामपुर की तहसील स्वार में फिरासत नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी। पुलिस हथियारों की तलाश कर रही थी। आज करणप्रीत और गगनदीप नाम के दो अभियुक्तों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। इन लोगों को जेल रवाना किया गया। इन लोगों के पास से कत्ल में किया गया जो तमंचा था वो भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है जो बाकी अभियुक्त हैं उनको भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। कुछ दिन पहले रामपुर में एक लूट की घटना हुई थी जो पुलिस ने दो दिन के अंदर ही अंदर अनावरण जिसका कर दिया। थानागंज पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है। 87,500 रुपये की जो लूट की गई थी उसके लुटेरों को उन्होंने पकड़ लिया। दोनों लुटेरे कोई शातिर लुटेरे नहीं थे बल्कि दो लड़के जो बी काम के स्टूडेंट बताए गए उन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। उनका कहना है कि जिस वक्त 87,500 रुपये लेकर फहीम नाम का व्यक्ति जब चला तो उन्होंने उसका पीछा किया और एक जगह मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके उसके पैसे छीन लिए। बी काम के स्टूडेंट हैं, ये उनके जीवन की पहली घटना है। पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल रवाना कर दिया है। रामपुर से क्राइम एक्सप्लोजन न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान कैमरामैन वासिफ के साथ। जिसमें 19 तारीख को एक युवक थे जो कि बैंक से अपना 87,000 रुपया लेकर जा रहे थे घर की ओर। हाईवे पर इन्हें लूट लिया गया बाइक की आड़ से, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थानागंज की पुलिस की टीम लगाई और बहुत अच्छा काम किया और विदिन 48 घंटे ये लूट खोल दी 100% बरामदगी के साथ। जो युवक थे ये दोनों पहली बार घटना किए हैं। दोनों ही कॉलेज के पढ़ने वाले युवक हैं। यह बैंक गए थे, वहाँ पर यह युवक अपने जो इसमें पीड़ित है वहाँ पैसे निकाल रहा था बैंक से और वहीं इन्होंने देख लिया कि यह लगभग 1,00,000 रुपये अपनी जेब में रखकर ले जा रहा है पहले में रखकर। इसी के साथ वो इसके पीछे लग गए बैंक से ही और रास्ते में युवक एक जगह रुका, उसने पैसे दिए किसी आदमी को, तत्पश्चात इन्होंने पीछे जाकर इसे चपट्टा मारकर लूट लिया। सर, ये कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ थे? यही शहर के कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों युवक और यह पहली घटना की गई है उनके द्वारा जो कि बताया जा रहा है। इनके पास ना कोई हथियार था, पहली बार इन्होंने कोशिश की है। इनका मुख्यतः इन्होंने जो मोबाइल है महंगे मोबाइल खरीदने के लिए इन्होंने बताया है कि यह घटना की थी। जी हाँ, इसमें जो खुलासा करने वाली टीम है उसे 5,000 रुपये नकद का पुरस्कार दिया जा रहा है थाना कैंट के लिए। इसमें स्वार थाने में 4 सितंबर 2017 को एक युवक की हत्या की गई। पीछे कर लो, किसी का नहीं होगा। इसमें आगे कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अपनी स्वार टीम लगाई और थाना पुलिस लगाई और उन्होंने खुलासा किया है आज, जिसमें कि ये दो अभियुक्त पकड़े गए हैं। दोनों अभियुक्त जो है जानकार थे मृतक के और उनके रिश्तेदारी में इसका मृतक का आना जाना था और वहाँ पर इसका आप पुलिस वाले आप साथ में आ जाइए, दादा आप साथ में आ जाइए। मोबाइल पीछे चल रहा है।